वाकई जो दलित वोट है वो अब की बार खिसकेगा? जी नहीं, जो दलित जहाँ पे है वो वहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? पहले से ही मायावती के साथ है और अब भी मायावती, बहन कुमारी मायावती के साथ रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन ये बात भी चल रही है कि युवा जो है वो कहीं जा सकता है, युवा का मूड बदल रहा है। नहीं, युवा को पहले से पता है कि बहन कुमारी मायावती की जब आई थी जब रोजगार बहुत मिला था, अब की बार रोजगार कहीं नहीं मिला। चंद्रशेखर चाहे कितने भी वादे कर ले पर अपने वादे पर कोई भी खरा नहीं उतरता। कोई भी किसको डालोगे अब की बार? बहन कुमारी मायावती को वोट दम्मा देता रहूँगा। देते रहेंगे तो मतलब इसकी कोई वाजिब सी वजह? वजह बहुत कह दिया, हमारे गांव में 3-3 मर्डर हुए, यहाँ पर कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ जी। तो बहन जी आई थी? बहन जी के समर्थक आए थे। अच्छा, बहन जी के समर्थक आए थे, पार्टी के लोग आए थे। हाँ, चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? बहन जी को वोट देवेंगे जी। बहन जी को? वजह क्या है बहन जी को? वजह ये है जी, बहन जी ने एक तो यूनिवर्सिटी बनवा दी, कॉलेज बनवा दिए और जी स्कूल बनवा दिए। ये मतलब बहन जी जो है शिक्षा पे ध्यान ज़्यादा देती है, वजह ये है। लेकिन बहन जी ने जो है अपने आदेश में कहा कि जो है दलितों का काम सुने, थाने में भी एक अधिकारी 11-12 बजे आवे था, आज बहन जी के शासन में वो अधिकारी 10 बजे के बजाय वो जो 10 मिनट पहले कुर्सी पर आ जाता, और थाने में अगर बहन जी का नाम लेते तो दरोगा भी कुर्सी छोड़ के अलग हो जाता। सुनवाई होती थी थानों में? सुनवाई होती थी हमारी। और अब कहाँ हो रही? अब नहीं हो रही, और मुलायम के शासन में नहीं। मैं जलने के में था, मुझे 6 महीने या जलने में तनख्वाह नहीं मिली थी। बहन जी का शासन आया, हमें पूरी तनख्वाह उसने दे दी, 6 महीने की पूरी करी। तो बहन जी का शासन क्यों नहीं बढ़िया है? बहन जी का बढ़िया शासन चल रहा, और बहन जी को देंगे चाहे मर तो जाए मर तो जाए, पर हम वोट जाए बहन जी को देंगे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से तेज है उत्तर प्रदेश में, और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल जो हैं वो पूरी तरह से चुनाव प्रसार में जुटे हुए हैं। और मैं खड़ा हूँ सिवाल खास विधानसभा, जो कि मेरठ में पड़ती है, और यहाँ आप देख रहे हैं मेरे अंबेडकर भवन है। ये सिवाल खास विधानसभा के जो विधानसभा के अंतर्गत जो गांव आता है हसनपुर रजापुर गांव है। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं और युवा भी हैं कुछ। हम इनसे बात करेंगे कि अब की बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। सबसे पहले आप बताइए हमें कि अब की बार जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? बहन जी को वोट देंगे हम। बहन जी को वोट देंगे। तो अब दो एक बार आपने बहन जी की सरकार जो रही थी वो 2007 से 12 तक रही, और उसके बाद सपा भी आ गई, बीजेपी भी आ गई। तो क्या इन सरकारों में कुछ हो नहीं पाया कामकाज? कुछ नहीं हुआ। वजह तो बस यही है कि हमें बहन जी को वोट देनी है यार, ये नहीं जिताना है। तो पिछली बार क्या योगी को दी थी? नहीं, बहन जी को दी थी। अच्छा, तो ये जाटव समाज के लोग हैं और ज़्यादातर यहाँ पर दलित समुदाय का, क्योंकि अंबेडकर भवन है तो सभी यहाँ ज़्यादातर लोग हैं जो वो दलित, कुछ युवा भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। वोट डालते हो? वोट मैं डालता हूँ हर बार। अच्छा, किसको डालोगे अब की बार? मैं बहन कुमारी मायावती को वोट दूँगा, देता रहूँगा। देते रहेंगे तो मतलब इसकी कोई वाजिब सी वजह? वजह बहुत कह दिया, हमारे गाँव में 3-3 मर्डर हुए, यहाँ पर कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ जी। तो बहन जी आई थी? बहन जी के समर्थक आए थे। अच्छा, बहन जी के समर्थक आए थे, पार्टी के लोग आए थे। तो एक बात और जो कि अभी 2 दिन पहले यहाँ चंद्रशेखर की भी एक जनसभा हुई थी मेरठ के अंदर में, चंद्रशेखर भी ये बात कहते हैं कि हम भी दलितों का, दलित मेरे साथ जो है 16-17% है। चंद्रशेखर क्यों नहीं, बहन जी क्यों? चंद्रशेखर तो क्या नाम भी ना, यहाँ ना आता कोई भी, चंद्रशेखर का नहीं है। नहीं जी, अब की बार तो चुनाव लड़ रहे हैं, वोट देंगे उन्हें? बहन कुमारी मायावती को वोट देंगे। अच्छा, आप बताइए, आप भी युवा हैं, अब की बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? मतलब? सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे जो गरीब लोग हैं वे, उनकी जो रोजगार जो बिल्कुल नहीं मिल रहा, जो युवा है उन्हें रोजगार नहीं मिला, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आप पेट्रोल को लेकर देख लो, 102 रुपये एक लीटर है, गैस सिलेंडर ले लो 1000 रुपये के करीब जा रहा है। क्या करते हो यार, तुम तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो, क्या करते हो? जी मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BSc कर रहा हूँ। अच्छा, BSc हो जी। तो
काफ़ी मुद्दों पर आपने बात की, जैसे महंगाई का मुद्दा है तो काफ़ी गहनता से अभी इन पर, तो क्या जॉब को लेकर किस तरह का माइंड मेकअप किया हुआ है? अब ये देखिए, करीबन जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद में करीबन 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, उसके बाद में लॉकडाउन खुलने से कम 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद में कोई भी किसी की युवा कोई सरकारी नौकरी पर लगा तो हमें बता दो, उसके बाद ना तो किसी की भर्ती है ना कोई किसी की जॉब है। जो बेचारे युवा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जो है कह रहे हैं कि घर पे पढ़ो, अब सबका साधन घर पे पढ़ने का थोड़ा ही है, जो गरीब आदमी है वे कहाँ से साधन कर लेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अनुज पारवा। अनुज, अब की बार जो हमारा आपसे यहाँ आकर आपसे बात करने का जो मकसद है वो ये है कि तमाम जो पार्टियाँ हैं, चाहे सपा हो, चाहे एक आज़ाद समाज पार्टी आई है, चंद्रशेखर आज़ाद जानते होंगे, भीम आर्मी वाले, वो भी दावा कर रहे हैं कि अब की बार दलित वोट जो है उनके साथ जाएगा, और लगातार समाजवादी पार्टी भी जो अखिलेश यादव है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं शेड्यूल कास्ट के वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और मायावती जो है वो ख़त्म हो रही है उनकी पार्टी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई जो दलित वोट है वो अब की बार खिसकेगा? जी नहीं, जो दलित जहाँ पे है वो वहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? पहले से ही मायावती के साथ है और अब भी मायावती, बहन कुमारी मायावती के साथ रहेगी। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन ये बात भी चल रही है कि युवा जो है वो कहीं जा सकता है, युवा का मूड बदल रहा है? नहीं, युवा को पहले से पता है कि बहन कुमारी मायावती की जब आई थी जब रोजगार बहुत मिला था, अब की बार रोजगार कहीं नहीं मिला। चंद्रशेखर चाहे कितने भी वादे कर ले पर अपने वादे पर कोई भी खरा नहीं उतरता, कोई भी खरा नहीं। बिल्कुल, आप पिछले साल से देखते आ रहे हैं, कई योजना देखते आ रहे हैं कि कोई भी कितने ही वादे कर ले पर लेकिन अपने वादे पर कोई खरा नहीं उतरा है। कहते हैं कि एक साल में कई कई करोड़ नौकरियां देंगे, क्या मिली है? मोदी जी कहते थे कई नौकरी मिली, बहुत करोड़ नौकरी के लिए कहते थे पर आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। मेरी एज 19 साल होने के लिए हुई है, मैं भी बहुत जगह अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, फिर भी कहीं नौकरी का अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं कि बहुत लोगों को लाखों रोजगार मिले हैं हमारी सरकार में, तो नहीं हमें बताओ कोई कहाँ मिले, किसे मिला है रोजगार? आप बताइए साहब, अब की बार जो चुनाव में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे, किस वोट किस मुद्दे को लेकर करेंगे आप? बहन जी को। जी बहन जी को ही करेंगे, मुद्दा कुछ होगा नहीं होगा, कोई मुद्दा नहीं होगा, बहन जी को वोट देना। चलिए, बहुत और भी कुछ युवा हैं उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या नाम है पहले तो आप? राहुल नाम है जी। राहुल, अब की बार चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? बहन जी को वोट देवेगी जी। बहन जी को? हाँ, वजह क्या है बहन जी को? वजह ये है जी, बहन जी ने एक तो यूनिवर्सिटी बनवा दी, कॉलेज बनवा दिए, और जी स्कूल बनवा दिए, ये मतलब बहन जी जो है शिक्षा पे ध्यान ज़्यादा देती है, वजह ये है। लेकिन और जो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव जब पहले कहते थे कि बहन जी ने तो भाई पत्थर वाली सरकार और पत्थरों पे काम किया है, पार्क बनवाए हैं कुछ, मतलब ये है कि बहन जी ने तो एक सामाजिक परिवर्तन स्थल बनवा दिया, मोदी सरकार ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना करोड़ रुपये वहाँ बर्बाद कर दिया, उसका तो कुछ होना ही नहीं, ये है बस। बहन जी जो है, बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनवाया, तो ये मतलब उससे तो अच्छा ही है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई है बीजेपी ने, उसमें इतना मोटा खर्च आया, और बहन जी ने अपने शासनकाल में इतनी यूनिवर्सिटी बनवा दी। रोजगार की क्या स्थिति रहती थी और अब क्या लगता है कि अब रोजगार मिल रहा है? नहीं, रोजगार तो जी विकास तो है ही नहीं जी, अब तो विकास है ही नहीं, विकास तो बस ये है जो बालक घूम रहे उनके नाम विकास रखे जा रहे, वो तो विकास हो रहा अब। अच्छा, बच्चों के नाम विकास वहीं तक सीमित है। चलिए, बहुत अच्छी लगी आपकी बातें। और भी कुछ युवा है, ये लोग हैं बुजुर्ग, उनसे बात करेंगे। आप बताइए जी, आप किसको वोट करेंगे? बहन जी को ही देंगे जी। बहन जी को ही? हाँ जी। तो पूरा गांव जो है वो सब बहन जी को सपोर्ट करेगा? हाँ जी, खासकर। हाँ जी। लेकिन लोग बात कह रहे हैं कि भाई अब बहन जी का समय पूरा, बहन जी की जो पार्टी है वो खत्म हो रही है, और बहन जी का राजनीतिक जो करियर है वो खत्म हो रहा है। खत्म तो नहीं हो रही जी, कहेंगे अभी तो चलेगी इसकी, चलेगी। हाँ जी। आप किसको वोट करेंगे? अरे मैं तो बहन जी को वोट दूंगा। जाएंगे वोट डालने? हाँ जी, हो जाऊंगा तो। अच्छा, तो बहन जी को क्यों वोट देंगे, मतलब क्या बहन जी की बहन स्थिति तो सुधरी नहीं है? बहन जी जो थी हमारे उसकी है बिरादरी की, और हमें उसके साथ में रहना है। मतलब आप बिरादरी की बात, मतलब बिरादरी की हैं इसलिए वोट देंगे, या बहन जी आपके लिए कुछ करती भी है इसलिए वोट देंगे? दोनों ही तरह उनकी वोट देंगे, करा भी है वो हमारे लिए, और जी वो ऐसे भी करा है। अच्छा, करती हैं। और एक चंद्रशेखर भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ भी वोट है। भाई उसका मुझे पता नहीं, कब आए चंद्रशेखर? अच्छा, पता नहीं आपको? आप किसको, आप बताइए वोट किसको देंगे? भाई ये मैं पकड़ लूं। देखो, हम देंगे बहन जी को वोट। अच्छा, ठीक है। नहीं, बहन जी ने 5-4 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुकी, कुछ उसमें खूबी देखी, पब्लिक ने जान लिया, जब तो 5-4 बार बन गए,
चंद्रशेखर कितनी बार बन गया प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, बताओ बना क्या। लेकिन लोग जो हैं, जो नई युवा नेता जो बने हुए हैं, चाहे चंद्रशेखर कह लीजिए या उनकी पार्टी के लोग जो हैं, वो कहते हैं कि बहन जी ने तो कुछ किया नहीं है, ये तो सब मान्यवर काशीराम साहब हैं, उनकी राजनीतिक विरासत को ये चला रही हैं। और उसी कई बहन जी ने क्या नहीं किया, बहन जी ने जो है अपने आदेश में कहा कि जो है दलितों का काम सुने, थाने में भी एक अधिकारी 11-12 बजे आवे था। आज बहन जी के शासन में वो अधिकार 10 बजे के बजाय वो 10 मिनट पहले कुर्सी पर आ जाता, और थाने में अगर बहन जी का नाम लेते तो दरोगा भी कुर्सी छोड़ के अलग हो जाता। सुनवाई होती थी थानों में, सुनवाई होती थी हमारी। और अब कहाँ हो रही, अब नहीं हो रही, और मुलायम के शासन में नहीं। मैं जल निगम में था, मुझे 6 महीने हो जाए जल निगम में तनख्वाह नहीं मिली थी, बहन जी का शासन आया हमें पूरी तनख्वाह उसने दे दी, 6 महीने की पूरी करी। तो बहन जी का शासन क्यों नहीं बढ़िया है, बहन जी का बढ़िया शासन चल रहा, और बहन जी को देंगे चाहे मर तो जाए मिट तो जाए, पर हम वोट जाए बहन जी को देंगे। अच्छा जी, कोई शिकु नहीं देने के। तो ये जाहे सिवाल खास विधानसभा है, और 2 दिन पहले यहाँ पर चंद्रशेखर की एक जनसभा हुई थी, लेकिन लोगों का जो माइंड है वो अभी पूरी तरह से मेकअप है और मायावती के फेवर में नजर आ रहा है। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए आप किस मुद्दे को लेकर जाएंगे। हाँ, मायावती को देंगे वोट हम तो। हाँ, वजह क्या है खास, मतलब जो मायावती से अभी दलित का जो मोह है वो हटा नहीं है, हटे ही ना अभी तो। लेकिन एजेंडे पर तो बात ये हो रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, तमाम सर्वे में दिखाया जा रहा है कि जो दलित वोट है वो बट रहा है, और जो बाकी पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर, तमाम उन पार्टियों पर जा रहा है। कोई कोई बटो, हम तो बहन जी को वोट देंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आप किसको वोट देंगे। आप बताइए, आप पहला नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका ये बताइए। मैंजली। आप किसको वोट देंगे? मायावती के। मायावती को क्यों देंगे, मायावती को वोट? और वजह कुछ मायावती को वोट देने की? मायावती के देंगे तो किसको देंगे, सबको देंगे। अच्छा, मतलब नाम जी की। अच्छा, उसकी कुछ खास वजह कि मायावती को वोट देना है? मायावती कुछ काम कर सुनती हैं? हाँ। आपके लिए कुछ करती हैं जब सरकार होती है उनकी? बस कोटे वोटे आता होगा बस। अच्छा, कोटे वोटे टाइम से मिलता है मतलब उस टाइम। तो हम जिस गांव में मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं कि हसनपुर रजापुर का ये अंबेडकर भवन है, और यहां पर जो तमाम लोग हैं, क्योंकि शाम का वक्त है और ऐसे में यहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज के तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, तो यहां पर आना वाजिब चर्चा थी। और इसमें एक ख़ास तौर पर जो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में दलित बढ़ जाएगा, दलित वोट बढ़ जाएगा, लेकिन ग्राउंड हकीकत ये है कि दलित वोट कहीं बढ़ता नज़र नहीं आ रहा है, वो अपने पारंपरिक जो वोट है वो उसको बसपा पर ही दिखाई दे रहा है और बसपा पर ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। मेरठ से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।